क्या ऋतिक की फाइटर शाहरुख खान की पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ पाएगी? 25 जनवरी 2023 में आई एसआरके की कमबैक मूवी पठान ने तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड टोटल 1050 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी और वही तारीख 25 जनवरी सिर्फ साल का अंतर है, वो 2023 थी और ये 2024 है। इसी डेट पर ऋतिक की फाइटर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और ऋतिक रोशन के फैंस का तो कहना है फाइटर मूवी पठान मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो चलिए देखते हैं कौन कितने पानी में है। ऋतिक की फाइटर ने अपने पहले दिन इंडिया में 24 करोड़ की बिजनेस की है, वहीं किंग खान की पठान ने अपने पहले दिन सिर्फ इंडिया से ही 57 करोड़ की बिजनेस किया था। फाइटर की डे टू की कलेक्शन हुई है 41 करोड़ की, वहीं पठान की डे टू की कलेक्शन थी 70 करोड़। और जहां फाइटर ने डे थ्री में 27 करोड़ रुपए की कमाई की है, वहीं पठान ने अपने तीसरे दिन 39 करोड़ की कलेक्शन की थी। फाइटर ने इंडिया से अपने तीन दिनों में टोटल 93 करोड़ का बिजनेस किया है, वहीं पठान ने अपने तीन दिनों में टोटल 166 करोड़ की बिजनेस किया था। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फाइटर मूवी ने अपने तीन दिनों में 143 करोड़ की बिजनेस की है और किंग खान की पठान ने तो इंडिया से ही 166 करोड़ की बिजनेस कर लिया था। वहीं पठान ने वर्ल्ड वाइड तीन दिनों में 313 करोड़ रुपए की बिजनेस किया था। अभी तो फिलहाल ऋतिक की फाइटर शाहरुख खान की पठान से बहुत पीछे चल रही है। आप लोग ही कमेंट करके बताइए क्या फाइटर भी पठान की तरह 1000 करोड़ का आंकड़ा छू पाएगी या फिर नहीं। इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल फिल्मी गैन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।